रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम सब हरी ऐसे हैं, आई होप आप भी हरी ऐसे होंगे। आज हम तैयार कर रहे हैं आलू अंडे का सालन और इसके साथ लच्छेदार परोठे, क्योंकि आज बच्चों का दिल चाह रहा था परोठे खाने का, तो हमने आज सुबह सुबह नाश्ता तैयार कर लिया है। रात काट के मैंने थोड़ा सा दो चम्मच चाय डाला और एक प्याज डाला है इसमें, तो मैंने कुकर रख दिया। अब इनको प्याजों को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अब प्याज हमारे ब्राउन हो गए, अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी जो मैंने काट के रखे हुए थे। आधे टी स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। मेल्ट हो गए और नमक मिर्ची मैंने इसमें शामिल कर दिया। मैं ये एक आलू है और ये दो मिर्ची है, ये मैं शामिल कर दूंगी। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। और अंडा तैयार हो रहा है और साथ में रोटियां भी बना रही हूँ। आज सुबह सुबह सब घर वालों का आज नाश्ता करने को जी था, सारे कह रहे थे कि हमने आज परौंठे खाने हैं। ऑयल डाल लूंगी। जल्दी बच्चों को रोटियां बना के दूंगी और ये मैं बलों वाले परोंठे बना रही हूँ। अब मैंने इसमें दो अंडे सूख दिए हैं, साथ में ये मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। ये सारी चीजों को अंडे में डाल के अच्छी तरह ला लू के इसका मैं आमलेट तैयार कर लूंगी। तैयार हो गया, साथ में हमारी रोटी भी तैयार हो रही है साथ साथ। अब मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दी है। हमारा बहुत ही प्यारा बलोहा लखनऊ तैयार हो गया। इसको मैं उतार लूंगी, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं और रोटियां भी तैयार कर लूंगी। ये मैंने दूसरी रोटी भी ऊपर डाल दी है, आप देख सकते हैं हमारी कितनी प्यारी रोटी तैयार हो रही है। अब आप इसके बाल देख सकते हैं, ये कितने प्यारे बल्लों वाला मैंने परोठा तैयार किया है।
बहुत ही प्यारी रोटी तैयार हो गई है। कितने प्यारे इसके बाल भी निकल आए हैं और बहुत ही प्यारी रोटी तैयार हो गई है। साथ साथ हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है और साथ में ये मैं चाय भी तैयार कर रही हूँ। मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी, 3 कप हमारी चाय है, 3 चम्मच मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी। अब साथ साथ हमारी रोटियां भी तैयार हो गई हैं। अब हमारा नाश्ता रेडी हो गया। अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।